देख रहे हैं रोटी, फूली फूली रोटी, ये देखिए ये फुलकी वाली फूली फूली रोटी, देख रहे हैं ये फलफी कितनी अच्छी रोटी आ रही है इसकी। हाँ भैया इसकी कीमत 3 लाख रुपए है, 2,90,000 बनारस तक आने में, 2,90,000 इसकी कीमत है, 2,90,000। अरे कुछ निकालने वाला दो तो यार, हो गया देखिए, देख रहे हैं ये रोटी कभी कच्ची होगी, फूली फूली रोटी। ये रोटी देख रहे हैं फूली फूली रोटी आ रही है, कभी कच्ची नहीं आएगी रोटी ये, देखिए भरी भरी रोटी फूली फूली फुलकी। ये है रोटी बैंक मशीन, जो रोटी बैंक की आज इसकी शुभारंभ हुई है, आज उद्घाटन हुआ इसका। फूली रोटी कभी कच्ची नहीं होगी, देख रहे हैं टेम्परेचर होना चाहिए टेम्परेचर, जो रोटी एक बार फूल गई वो रोटी कभी कच्ची नहीं होगी। देख रहे हैं एक भी रोटी, एक साइज की रोटी आ रही है, एक साइज में रोटी आ रही है सारी, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं, एक साइज की रोटी आ रही है। लव कौशिक जी आप आए नहीं, वाह विकास सुभाष नौ आप काफ़ी खुश हैं भैया, बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं भाई, ज़रूरतमंद लोगों को रोटी खिलाई जाएगी, खुशी की बात है आज रोटी बैंक के लिए, आज रोटी बैंक के लिए खुशी की बात है। देख रहे हैं फटाफट रोटियां बन जा रही हैं, ऊपर से देखिए किस तरह से रोटी निकल रही है, रोटी हटाओ जी यहाँ से सर, रोटी फर गया ट्रे, दूसरा ट्रे लगाओ। आराम बना हो प्रमोद, ठीक है रोटी बनाओ में आराम से बना था, कुर्सी लगा रहा हूँ अमर शर्मा एक बार फिर से दिखाओ भाई, देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये लोहिया मैंने लिया है, ऊपर इसमें ऐसे डाल दिए, यहाँ इसमें चपटी हुई रोटी, बेली गई रोटी इसमें बेल गई, यहाँ से रोटी कन्वेयर बेल्ट पे आ गई, डाला बेल्ट पे आ गई रोटी, अब नीचे जाएगी, नीचे जाके ये सब बेल्ट पे होते हुए सिका रही है रोटी, इसमें 5 गैस बने हुए हैं, 1, 2, 3 टॉप पे गैस है, चूल्हा ऊपर भी है, देखिए जल रहा है चूल्हा अंदर, इसके नीचे चूल्हा है और सबसे नीचे, 3 जगह रोटी सिक रही है, 3 जगह रोटी सिकने के बाद यहाँ से फूली फूली रोटी निकल रही है, देखिए देखिए ये रोटी कैसे निकल रही है। देखिए ये रोटी, देखिए फूली फूली रोटी निकल रही, बहुत बहुत बधाई राज बिहारी ओझा जी, हमारे रोटी बैंक बक्सर से हैं। देख रहे हैं कैसे रोटी आ रही है, बहुत ही सुंदर किशोर भाई, कभी कभी क्या हो रहा है ना कि लकड़ी टाइप का रखना पड़ेगा, कभी कभी रोटियां यहाँ फंस जा रहा है। 1 घंटे में 2 किलो गैस, 1 घंटे में 2 किलो गैस लगेगा, 1 घंटे में 2 किलो गैस खाती है मशीन, गैस से और बिजली से दोनों चलती है, गैस बिजली से मोटर चलता है और गैस से रोटियां सेकने के लिए है। 1 घंटे में 2 किलो गैस खाएगा, 1,000 रोटी निकालेगा। रोटी बैंक वाराणसी किशोर भाई आपको और आपकी टीम को बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, विनोद कुमार जी मुकेश जी कंग्रेचुलेशन बधाई हो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली भी 2 यूनिट, 1 यूनिट बिजली खाएगी 1 घंटे में, 1 यूनिट बिजली खाएगी 1 घंटे में और 2 किलो गैस बस। देख रहे हैं रोटी एक भी कच्ची नहीं आ रही है, सब रोटी पक्की आ रही है, कुछ लोग करते देखिए रोटी फूली हुई, सब रोटी एक साइज की आ रही है, सारी रोटी एक साइज की आ रही है, देखिए कोई रोटी कच्ची नहीं है, देख सकते हैं किस प्रकार से आ रही है रोटी। बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जी सभी को, बहुत बहुत देख रहे हैं रोटियां कितना रोटी बन गई है, 300 रोटी बन के तैयार हो गया। ये मशीन आपको पड़ेगी 2,90,000,
देखिए किस प्रकार से ये रोटी प्रोडक्शन हो रहा है, अब बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। निशांत इंदु जी बहुत, सुमित शर्मा जी मास्क लगाओ भैया, सबके जो लोग यहाँ पे बाहरी कोई नहीं है भाई, सुमित जी आराम से, मशीन चल रही है कोई दिक्कत। एक घंटे में 1000 रोटी निकालेगी भैया, जय हो रोटी बैंक, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। बधाई हो रोटी बैंक का सफर आज नया आयाम को छू चुका है, आपका आत्मविश्वास चरम पर है, ये देख रहा हूँ महादेव, आपको हमेशा खुश रखे। विकास सुभाष चंद्रतानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों को मैं प्रोडक्शन दिखा रहा हूँ किस पर, कुछ लोग हमें कमेंट में लिख रहे हैं रोटियाँ कच्ची बनेंगी, देखिए एक भी रोटी इसमें कच्ची नहीं है, देख सकते ये सॉफ्टिक रोटी है, मुलायम, देख रहे हैं एक भी रोटी कच्ची नहीं है उसमें। सब गरीबों जरूरतमंद लोगों के लिए बन रहा है रोटी, तो थोड़ी देर में पटने निकलेगा बन जाएगा। कांग्रेचुलेशन भाई रामचेत गुप्ता जी, तो आज आप लोगों को मैं डेमो दिखा रहा हूँ, लाइव डेमो, दो वो डाल लेना एक साथ, मत गिराओ ना। हाँ जी, आटा गूंथ कर ऐसा बनाना पड़ता है लोइया, आटा गूंथ कर ऐसा लोइया बनाना पड़ता है, लोइया बना लीजिए, तैयार करके धर लीजिए एक ही बार रोटी, जितना आटा का लोइया बनाना है, एक 50 किलो 60 किलो आटा का लोइया बना लीजिए, आटा सान के लोइया बना लीजिए। लोइया बनाने वाली भी मशीन आती है गूंथने वाली, 60,000 की अलग से, यानी 3.5 लाख पड़ जाए, 3.5 लाख पड़ जाएगा उसको लेकर। इस प्रकार से गोलियां बना लीजिए, छोटा छोटा गोलियां बना लीजिए, बिल्कुल सत्येंद्र भैया छपरा से, और इस प्रकार से इसमें एक एक रोटी डालते रहिए, देखिए यहाँ पे डाल रहे हैं, और यहाँ देखिए इसके अंदर प्रेसिंग हो रही है रोटी, जो लोग कच्चा बता रहे हैं वो पकाने का तरीका नहीं बताया, देखिए कैसे पक के निकल रहा फूली फूली रोटी, कोई कहेगा ये रोटी कच्ची है? कहेगा कोई? गैस सिलेंडर 1 घंटे में 2 किलो, गैस सिलेंडर 1 घंटे में 2 किलो लगेगा, बहुत बहुत धन्यवाद रास बिहारी जी, 1 घंटे में 2 किलो गैस और 1 यूनिट बिजली खाएगी, 1 यूनिट बिजली और 2 किलो गैस, ठीक है। देखिए कितनी फूली फूली रोटी आ रही है, कौन कहता था कच्चा निकलेगा, बहुत अच्छा लगा देखकर, ये बहुत किए हैं आप लोग, ने सफलता मिलती रहेगी। रोटी बैंक वाराणसी को बधाई हो, आज से रोटी मशीन से बनेगा जींस, दुआ उनको धन्यवाद से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बढ़िया भाई प्रशांत जी, देखिए फूली फूली रोटी आ रही है, देख रहे हैं, कौन कह रहा कच्ची रोटी मिलती है, कच्ची रोटी है, 3 लाख रुपया लगा के कच्ची रोटी बनाने वाली मशीन आएगी, देखिए गर्मा गर्म रोटी निकल रही है मशीन से। देख रहे हैं प्रोडक्शन चालू हो गया रोटी बैंक में, कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ता है, किलोवाट क्या भाई, घर का चल रहा है, जो घर पे बिजली चलता है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं भाई, आप निरंतर प्रगति करें। मीनू चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, क्या हाल चाल है आपका, देखिए फूली फूली रोटी, देखिए मिनी चौबे बताइए दीदी, रोटी जो फूल गई कच्ची हो सकती है कभी, देखिए रोटी फूल गई, ये रोटी जो फूली हुई कभी कच्ची होगी, कभी कच्ची रोटी नहीं होगी ये,
देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटी मकीन से रोटियां निकल रही है रोटी बैंक में। हमारी सफलता यही है कि हमारा काम नाम के लिए नहीं, हमारा काम काम के लिए होता है। हमारा काम फोटो खिंचाने के लिए नहीं, हमारा काम ग्राउंड पे होता है। हमारा काम ग्राउंड पे होता है, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री से वर्चुअल मीट करने के लिए नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से हम वर्चुअल मीट कर ले केवल। समस्या बताने वाले बहुत हैं। आभार आपका रोटी बैंक को, बहुत बहुत बधाई भैया, हर हर महादेव। ठीक है, तो ये वर्चुअल मीट से देश को भुखमरी मुक्त नहीं बनाया जा सकता है। वर्चुअल मीट से सिर्फ केवल नाम का बखान हो सकता है। ठीक है, रोटी बैंक ग्राउंड स्तर पर काम करने के लिए जानी जाती है। जमीनी स्तर पर रोटी बैंक काम करते तभी लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का साथ मिलता है। ठीक है, तो हमारा इस दुनिया में अगर किसी से लेना देना है तो जनता से लेना देना है, कि उस रोटी बैंक को चलाने वाली इस देश की जनता है और जनता के भरोसे ये रोटी बैंक चल रहा है। देखिए, मशीन भी एक व्यक्ति ने ही दिया है, मनु टंडन जी ने दिया है, अमेरिका में रहते हैं, उनके ससुर जी हैं, उन्हीं की याद में ये मशीन आया है। DLW में इंजीनियर थे, तीन साल पूर्व इनका देहांत हो गया। हाँ, अब ये नया ऑटोमेटिक मशीन आया है। ठीक है, इन्हीं का देखिए फोटो इस पे चिपका हुआ है, इन्हीं की याद में ये मशीन आया है। आज इनका पूजा वूजा हुआ है। ठीक है, आज उद्घाटन हुआ है ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट कम्युनिटी किचन। वेरी नाइस भाई सवित्री यादव जी। तो यही मैं दिखा रहा हूँ रोटी वाली मशीन, देखिए कितना आसानी से रोटी का हो, आसानी से रोटी बना था, आराम से बना था। बहुत शरीर से धुआं लगने से हर कुछ से बची, हाथ जलाने से आराम है। कितना रोटी बना लेला अभी, 500 बन गई, 500 ऊपर हो गए, 500 से ऊपर रोटी बन गई। कितना देर भाई, आधा घंटा हुआ होगा, आधा घंटा में 500 रोटी बन गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से लोहिया बना के रखा हुआ है, एक बंदा लोहिया बना लिया है, बस ये लोहिया बन गई है। लोहिया बना के ऐसे रख लीजिए, बस वहाँ रखते जाइए। देखिए यहाँ भी आटा सन गया है, लोहिया बनेगा, यहाँ ही लोहिया बना रहा है छोटू, और लोहिया बना के फिर वहाँ लेके जाना है। लोहिया ख़त्म भाई। ठीक है, वो पंखा बंद कर दो ना, हवा से रोटी सूखेगी। इस प्रकार से इस मशीन में रोटियाँ देखिए बन रही है फूली फूली। फटाफट काम देख रहे हैं, फटाफट काम हो रहा है रोटी की मशीन में। लोग से मिलने का सौभाग्य जल्द मिलेगा भैया, बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल, कोरोना जैसा ही कुछ होता है पाइए मुलाकात होगी आपसे। देखिए फटाफट रोटियां इस बेल्ट से आ रही है, गजब की रोटी बन रही है भाई। बिल्कुल राहुल जी, देखिए ये रोटी निकल के बेल के निकल गई, बस ऊपर से गोला। देखिए आराम से आ रही है बेल्ट पे, बस ऊपर गोला डालिए, फंस गिल का गीला रहा थोड़ा वो चक्कू ना हो, चक्कू से ना हो। ना खोले, हाँ आगे निकल गए, निकाल लो, हटा लो। आटा गीला होगा तो रोटी पकड़ लेगा, आटा गीला नहीं होना चाहिए, आटा गीली नहीं होनी चाहिए। आटा गीली होगी तो देखिए उसी प्रकार से पकड़ लेगा वो, उसमें परथन थोड़ा लगा दीजिए, जो गीला आटा नहीं होना चाहिए। हाँ, आटा गीला नहीं होना चाहिए। प्रभु इससे वही बड़ा काम दे आपको, जो दिन दुखियों की सेवा करते रहे। बिल्कुल उपेंद्र जी, हाँ छोड़ देगा वो तुरंत, एक बार दबाएगा छोड़ देगा आटा, बस परथन थोड़ा लगा दीजिए, दिक्कत हो रही है। आटा का अंदाज मिल गया कैसा आटा सानना है, ना। हाँ प्रणाम भैया जी, कांग्रेस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बत्सा ठाकुर जी। तो देखिए प्रोडक्शन चल रहा है रोटी का किचन में, रोटी बैंक में रोटी का प्रोडक्शन। देखिए उसमें बस डाल देना लोई को, निकल जाएगा। देखिए निकलेगा या महाकाल का कृपा है भैया जी, बिल्कुल रवि जी। देखिए इसमें बस लोहिया डालते रहना है, आटा यहाँ से रोटी निकलती रहेगी बेल बेल के, और नीचे से यहाँ से रोटी
निकल रही है, देख रहे हैं फुली फुली रोटी आ रही है। आ जा एक तो ना कुछ रखना पड़ेगा सीख, वहाँ रोटियाँ कुछ फंस जा रही है ना उसको निकालने के लिए, देखिए वहाँ जाम हो गया, देखिए अंदर चला गया एक तो। कुछ थे छुरी नहीं, वो लकड़ी का कुछ रखना पड़ेगा, प्लास्टिक लगा। हाँ देखिए उसको निकाली 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 निकाली, हाँ मैं अभी वाराणसी से हूँ, आपका संपर्क नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नंबर डाल दिया हूँ नीचे, संपर्क नंबर है हमारा। एक तो रोटी देखिए वो कन्वर्टर पर गिरा हुआ है वहाँ पेड़ से।